हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। माय नेम इज नकुल शर्मा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ सैंपल पेपर सॉल्यूशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यहां से स्टार्ट होते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, जो शायद 10th क्लास के लिए एकदम न्यू होंगे, तो इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये एक फिगर गिवन है, ठीक है। एक लड़की है एनी, जो और ये है एक स्विमिंग पूल। एनी स्विमिंग पूल में डाइव मारने के लिए डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है, और जो डाइविंग बोर्ड है उसकी जो हाइट है वाटर लेवल से वो 48 मीटर है, ठीक है। तो इनिशियली जब वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है, यानी कि डाइव नहीं मारी है उसने, तब उसकी हाइट है 48 मीटर। और फिर जब वो डाइव मारती है तो वो फॉलो करती है एक पैराबोलिक पाथ को, तो उसकी जो डाइविंग की इक्वेशन होगी वो भी कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है। ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। अब देखो एक एक करके इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि इस इक्वेशन में के की वैल्यू बताओ। तो देखो एक सिंपल सी बात जो हमें क्वेश्चन से समझ आती है वो ये है कि जब एनी ने डाइव नहीं मारी है तब उसकी हाइट 48 मीटर है, मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड है, यानी कि उसने डाइव नहीं मारी है, तब हाइट कितनी है, 48 मीटर है। तो यही बात हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। व्हेन टाइम इज 0, दैट इज -16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के, ओके। तो एच ऑफ 0 की वैल्यू है 48, देयरफॉर के इक्वल टू 48। तो जो के की वैल्यू है ये 48 है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो अब इक्वेशन क्या हो गई उसकी, एच ऑफ टी इज -16 स्क्वायर प्लस 8t प्लस के। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 42, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वॉटर इन द पूल। तो देखो अभी हमने इक्वेशन फाइंड करी, एच ऑफ टी इक्वल है -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के की वैल्यू आ गई थी 48। तो ये इक्वेशन है जिससे वो डाइव कर रही है, ठीक है। एट वट टाइम विल शी टच द वॉटर इन द पूल, कि जब वो डाइव मारेगी, यहां से जब वो डाइव मारेगी तो किस टाइम पे वो उसको टच करेगी, वॉटर पूल को टच कर देगी। तो जब वो वॉटर पूल को टच करेगी तो जो उसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। देयरफॉर तो हाइट 0 पुट करेंगे, -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48। तो यहां से हम कॉमन लेते हैं माइनस ऑफ 8, तो आया 2t स्क्वायर -t -6 एंड इट इज 2t स्क्वायर -t -6 इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को हम कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 12, और फिर लेंगे 12 का एलसीएम। फिर एलसीएम में से ऐसी टर्म्स फाइंड करेंगे हम जिनकी सब्ट्रैक्शन से टी आ जाए, तो वो क्या होगी, -4t प्लस 3t -6 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब पहली दो टर्म में से 2t कॉमन, तो t -2 प्लस 3 यहां से कॉमन, t -2। तो 2t माइनस टू सॉरी 2t माइनस प्लस 3 और t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू -3, t इक्वल टू -3 बाय 2 एंड t इक्वल टू 2। अब क्या कभी टाइम नेगेटिव का हो सकता है, टाइम कभी नेगेटिव का नहीं होता, तो t की इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और t की वैल्यू 2 इज करेक्ट आंसर, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, अब एक रीटा नाम की लड़की है, वो भी डाइव कर रही है, लेकिन अब उसकी इक्वेशन जो है डाइव की वो कुछ और है, ठीक है। तो क्वेश्चन 43 में तो वो इस इक्वेशन के साथ डाइव कर रही है। अब हमें वो इक्वेशन नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है उसके जो जीरोज हैं वो है -1
और 2। ओके, तो अब जीरोस का क्या मतलब होता है? जब हम उस जीरोस को इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में टी की जगह 2 रख दें तो इसे 0 होना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 4, और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नेगलेक्ट कर देंगे। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2। अब t की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें इसमें, 4 प्लस 2 जा 4 माइनस 2, तो ये आया 6, और ये भी इक्वल नहीं है 0 के। तो ऑप्शन बी भी हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, 24t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 48, टी इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो पूरे में से 24 कॉमन, तो टी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस, यहां पे बचेगा t, 2 प्लस यहां पे भी बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आएगा 24 into 4, ये भी इक्वल नहीं है 0 के। और ऐसे ही अब हम लास्ट इक्वेशन को चेक करेंगे। लास्ट इक्वेशन में से कॉमन लेंगे माइनस 24, यहां बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, तो टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो माइनस 24, टी स्क्वायर इज 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 24 और 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसमें माइनस 1 पुट करके भी चेक कर सकते हैं, कैसे? माइनस 24 टी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 24 2 माइनस 2 इज 0, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अ पॉलिनोमियल क्यू टी विथ सम ऑफ जीरोज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज माइनस 6 इज मॉडलिंग्स अनुज हाइट इन फीट अबव द वॉटर एट एनी टाइम, देन क्यू टी इज गिवन बाय। अब देखो कि एक पॉलिनोमियल है क्यू टी, ठीक है, उसके सम ऑफ जीरोज है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है माइनस 6। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए के, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें गिवन है 1 एंड माइनस 6। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी जो उसकी डाइविंग को फॉलो करेगी। तो इक्वेशन 1 चेक करते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 6, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? सम ऑफ जीरो 1, तो इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे हम नेगलेक्ट। इक्वेशन 2, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1, ये भी कितना आया? माइनस 1, लेकिन हमें चाहिए 1, तो ये भी नेगलेक्ट। सी पार्ट, 8t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 48, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी की वैल्यू 8 अपॉन ए की वैल्यू माइनस 8, तो अल्फा प्लस बीटा तो 1 आ गया, सम ऑफ द जीरोस तो 1 आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसके बराबर आएगा? सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू है 48 और ए की वैल्यू है माइनस 8, तो ये आया माइनस 6, और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या चाहिए था? माइनस 6, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। था ना बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो देखो जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लेट कर लें, लेट द 1 0 बी अल्फा, देन अदर 0 विल बी माइनस अल्फा, कि जो इसके जो दो जीरो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा। अब हमें क्या पता है? हमें पता है सम ऑफ जीरो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा और दूसरा क्या है? माइनस अल्फा इज
माइनस b की वैल्यू k माइनस 3 और a की वैल्यू माइनस 12। तो अल्फा माइनस अल्फा इज 0 इक्वल टू में माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल और जब 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 k माइनस 3 और k की वैल्यू आ गई 3। सो k इक्वल टू 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ केस स्टडी 2। अब देखो ये जो केस स्टडी 2 है ना, इसमें ये जो भी लिखा हुआ है ये बेकार की बात है, हमारे मतलब की बात नहीं है। तो देखो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये था एक फुटबॉल ग्राउंड और यहां पे प्लेयर्स के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे, कि जो ट्रायंगल बनेगा ई से एच से और जे से, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रोइड फाइंड करना है हमें। तो सॉल्यूशन 46, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन 3 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3, यानी कि जो ट्रायंगल के एक्स कोऑर्डिनेट हैं उनका सम अपॉन 3 और जो ट्रायंगल के वाई कोऑर्डिनेट हैं उनका सम अपॉन 3। तो सेंट्रोइड कितना आएगा, देखो पहला कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 3 कॉमा वाई की वैल्यू 1 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 3। तो देखो 2 माइनस 2 0, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन 3 कॉमा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 अपॉन 3 दैट इज 1। तो सेंट्रोइड क्या आया, माइनस 2 अपॉन 3 एंड 1। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, अगर एक प्लेयर है पी, प्लेयर का नाम क्या है पी, उसे प्लेयर ए और प्लेयर जी से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े होना है और जो ए पी जी है वो स्ट्रेट लाइन में हो, तो पोजीशन ऑफ पी बतानी है हमें। कि कोई प्लेयर है पी, उसे उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, हमें नहीं पता, उसे प्लेयर ए और प्लेयर जी से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े होना है। तो देखो ग्राफ में गिवन थे ए के कोऑर्डिनेट 3.6 एंड जी के कोऑर्डिनेट 1.-3। अब प्लेयर पी को इक्विडिस्टेंस होना है ए से और जी से, यानी कि पी को क्या होना है, मिड पॉइंट होना है। तो हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स वन दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन 2, देयरफॉर एक्स इज 2, और वाई की वैल्यू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन 2, तो वाई की वैल्यू आएगी वाई वन 6 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज वाई इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो देखो 2.3 अपॉन 2, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, उसे इक्विडिस्टेंस होना है आई से और ई से। तो देखो अब की बार आई ई और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, हम उसका नाम देते हैं एक्स, और जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एक्स को ई और आई से इक्विडिस्टेंस होना है, तो 48 हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि अब की बार ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जो एक्स का डिस्टेंस है आई के साथ दैट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो बराबर होगा इस डिस्टेंस के एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे पहले क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा, क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में थे। अब की बार हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 4x माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसा हो जाएगा, प्लस का, 4x प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पे बचा 4 और ये 1 होगा माइनस का, तो 6x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दैट इज x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो वो पॉइंट क्या होगा, 1 अपॉन 2 कोमा 0, तो 1 अपॉन 2 कोमा 0। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेयर Q सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड K, Q एंड E आर कोलिनियर। कि जो पॉइंट हैं, कि देखो एक तो पॉइंट Q है x कोमा y जो हमें नहीं पता, और उसका जो डिस्टेंस है K से वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू ई से, और ये तीनों एक लाइन में हैं, तो के जो है माइनस 4.1 एंड ई है 2.1। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो क्यू है वो इस तरीके से खड़ा है कि उसका डिस्टेंस के से जो है वो डबल है डिस्टेंस फ्रॉम ई, कि इसका जो डिस्टेंस ई से है अगर वो 1 है तो के साथ इसका डिस्टेंस कितना है 2, और हमें फाइंड करना है Q को। तो देखो हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 4 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y के लिए भी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू आई 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1, तो q के कोऑर्डिनेट क्या है 0.1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c इज, कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है, अगर देखो y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, और वो b और c से इक्विडिस्टेंस पे है, तो b है 4.3 4.-1। अब ये जो पॉइंट है ये c से और b से इक्विडिस्टेंट है, लेकिन हम अभी भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सी 0-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे आएगा 0-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9-6y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अब देखो 6y यहां पे नेगेटिव का है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव का 2y प्लस 6y, और यहां पे है 9-1, तो 8y इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पॉइंट क्या आया 0.1, तो 0.1 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमने पूरा सैंपल पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और ये वीडियो भी फिनिश होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।